चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपके पास साइन की पावर 4x है ना। तो जब भी आपके पास साइन या कॉस कोई भी हो इन दोनों में, और उसकी पावर अगर ज़्यादा है, से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी पावर है वो दो कैटेगरी में डिवाइड करी जा सकती है। एक तो ऑड पावर है और दूसरा इवन पावर होता है। जब भी इवन पावर है आपको डिग्री रिड्यूस करनी होती है यूजिंग द कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, और कोई भी आपके पास रास्ता नहीं होता है। लेकिन ऑड पावर होती है तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ ऑड पावर को कैसे डील किया जाता है। खैर, इवन पावर है तो हम लोग कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से हम लोग इसको लिखते हैं। पहले उससे पहले आप क्या जानते हैं कि कॉस जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो चलिए साइन स्क्वायर 4 थीटा को हम लोग लिख लेंगे। साइन स्क्वायर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और इस साइन स्क्वायर को लिख ले रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का क्या हो गया, आपका होल स्क्वायर हो गया। ये आप एक्सपेंड कर दीजिए फिर से, बाइनोमियल है, दो टर्म का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको बाहर कर लेते हैं तो 1/4 बाहर हो गया, और अंदर आप ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2x प्लस 2a माइनस 2ab 2 cos 2x। अब देखिए काफ़ी राहत महसूस करेंगे यहाँ तक। ये भी आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है ना, 1 का x हो जाएगा, और ये भी डिग्री खत्म हो चुकी है, 1 आ चुकी है, तो ये भी इंटीग्रेबल फॉर्म में है। लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी हमारे लिए काम करना बाकी है, तो थोड़ा सा काम करना। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से ट्वाइस आप करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x बाई 2 है ना, -2 cos of 2x dx। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अब हर टर्म आपका इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच चुका है, बस अर्थे आप थोड़ा एलसीएम लेके चीज़ों को और रिजॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 है तो एलसीएम जब 2 लेंगे सबका, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर 2 हो गया, देख लीजिए। यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, 2 हो गया, तो 2 सबका डिनोमिनेटर हो गया है ना। तो ये 2 एक कॉमन डिनोमिनेटर हम कर लेते हैं, ठीक है, तो एक सिंगल छोड़ते हैं यहाँ पे। अब ये 2 बाहर कर लेंगे, तो 2 जब बाहर करोगे आप तो ये 4 2 8 हो जाएगा थोड़ी देर बाद। यहाँ से हम हटा देते हैं इसको, है ना। इसके बाद अब देखिए ये तो 4 हो गया आपका, अब इसका इंटीग्रल 2 है ना, जो इंटीग्रल है आपका इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर होता है, तो 1/8 ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये इंटीग्रल ऑफ 2 dx प्लस, अच्छा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, सॉरी 3 dx, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 4x dx माइनस, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x dx। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 dx, और 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है आपका, यहाँ लिख दोगे 1/8 और 3 टाइम्स 1 का एंटी डेरिवेटिव एक्स होता है, प्लस कॉस का क्या होता है साइन, एंटी डेरिवेटिव होता है साइन 4x अपॉन 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट नीचे आता है, माइनस 4 टाइम्स कॉस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x, और एक्स का कोएफिशिएंट नीचे अपॉन 2, तो ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो यहाँ फाइनली 2 आने वाला है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा, प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ठीक है, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।